हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपका गूगल पे काम नहीं कर रहा है तो इसे किस तरीके से ठीक कर सकते हैं। जैसे कि एरर आ रहा है, आप जब भी पेमेंट कर रहे हैं तब ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पर अभी पेमेंट कर रहा था तो मेरा यहाँ पर एक एरर आ रहा था, ठीक है। कहने का मतलब जो बैलेंस है मैं चेक कर रहा था, बैलेंस भी चेक नहीं हो पा रहा था। तो चलिए किस तरीके से इसे ठीक कर सकते हैं आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। या तो डिलीट कर देना है या फिर आपको ऐप इन्फो पर सिंपली क्लिक करना है। उसके बाद में स्टोरेज पे जाना है। स्टोरेज पे जाने के बाद आपको यहाँ पर क्लियर स्टोरेज पे सिंपली क्लिक कर देना है। अब जो आपका डाटा था वो समझो एकदम क्लियर हो चुका है। उसके बाद में जाना है आपको प्ले स्टोर में। तो चलिए मैं यहाँ पर सबसे पहले प्ले स्टोर में जाता हूँ। प्ले स्टोर में यहाँ पर नीचे में हमें सर्च बार का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, इस पर हम सिंपली क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में हम यहाँ पर लिखेंगे गूगल पे, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ गूगल पे। मैंने यहाँ पर लिखा गूगल पे। जैसे कि ये अपडेट मांग रहा है तो आपको सिंपली इसे अपडेट कर देना है, ठीक है। अगर आप इसे डिलीट कर देते तब भी वही बात पड़ती, ठीक है। तो आपको इतना तो यहाँ पर समझ लेना है। सबसे पहले हम इसे अपडेट कर लेते हैं। छियासी सौ यानी कि पूरा 100% ये यहाँ पर हो चुका है, ठीक है। अब ये इंस्टॉल हो रहा है। आप जैसे ही इसे ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद में आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल देना है और कंटिन्यू पर सिंपली क्लिक कर देना है जाएगा। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी चेंज कर देना है। तो चाहूँ जैसे कि मैंने यहाँ पर अपनी दूसरी ईमेल आईडी यहाँ पर ऐड कर दी है, तो इसी तरीके से आपको यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी चेंज कर देना है, ठीक है। उसके बाद में एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पर सिंपली क्लिक करना है। जैसे ही आप इतना काम कर देते हैं तो आपका मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर वेरीफाई होगा, ठीक है। जैसे कि आपके मोबाइल नंबर वन टाइम ओटीपी भेजा जाएगा और वो ओटीपी जैसे ही आपका वेरीफाइड हो जाएगा तो आपके सामने कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। जैसे ही आपके सामने कुछ इस तरीके से आ जाता है तो आपसे बोला जा रहा है कि आप जो भी बैंक अकाउंट है उन्हें एक्टिव करें, ठीक है। यानी कि ऑल जो भी बैंक अकाउंट है, ठीक है। तो हम एक्टिव नाउ पर सिंपली क्लिक कर देते हैं। अभी आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर एक कंडीशंस यहाँ पर लागू हो जाएगी। जैसे कि अभी हमने यहाँ पर लॉगिन किया है तो यहाँ पर नोट नाउ पर सिंपली हम पहले तो क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर बताया जा रहा है कि आप 24 घंटे तक यानी कि 24 घंटे तक आप 5000 रुपये ही सेंड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में आपकी जो लिमिट होगी आपके बैंक अकाउंट की वो बढ़ जाएगी, ठीक है। और UPI है जो कि आपको 2 लाख रुपए की यहाँ पर लिमिट देता है। 2 लाख रुपए आप भेज सकते हैं एक दिन में, ठीक है। तो हम यहाँ पर कंटिन्यू पर सिंपली क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद में अपना यहाँ पर MPIN वगैरह डालना चाहें तो डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर अपना पिन सेट कर दिया है। उसके बाद में आपको यहाँ से कट करना है। कट सर्च बार में लिख देना है ऐप मैनेजमेंट, ठीक है। तो जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ऐप मैनेजमेंट, इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं इस पर सिंपली क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद में यहाँ पर मिल जाएगा ऐप लिस्ट का ऑप्शन, इस पर आप सिंपली क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपको गूगल में जाना है, यहाँ पर गूगल पे में, जैसे कि गूगल पे ये है तो हमारा 80 MB का है ये, ठीक है। कि ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद में यहाँ पर परमिशंस को देखना है हमें। अब जो जो आपकी परमिशंस यहाँ पर अलाउ नहीं है वो आपको परमिशंस को अलाउ कर देना है, जैसे कि कैमरा और कॉन्टैक्ट लोकेशन, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर लोकेशन के लिए परमिशन दे देते हैं, इसे कैमरा के लिए परमिशंस दे देते हैं इसे, और यहाँ पर कॉन्टैक्ट के लिए, माइक्रो के लिए, उसके बाद में बैक, ठीक है। हमने यहाँ पर सारी परमिशंस दे दी हैं। उसके बाद में हम यहाँ पर बैक करेंगे और हम गूगल पे को यहाँ पर सिंपली ओपन कर लेंगे। करने के बाद आप ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे इस तरीके से, यहाँ पर मिल जाएगा चेक बैंक बैलेंस, ठीक है। इस पर आप सिंपली क्लिक करेंगे, अपना यहाँ पर UPI पिन डालेंगे, जो भी आपका UPI पिन था, या फिर आपका नहीं है तो आप इसे सेट कर सकते हैं। सिंपली मैं क्लिक कर देता हूँ। अब जो बैलेंस है वो मेरा यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से आप बैलेंस चेक कर सकते हैं। पहले जो था मेरा यहाँ पर बैलेंस चेक भी नहीं हो रहा था, ठीक है। एक बात को आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, जैसे कि आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है रिस्पॉन्सर, ठीक है। तो कहने का मतलब है आपको यहाँ पर ऐड देखने को मिल सकता है, जैसे कि अभी ये देखने को मिल रहा है। अगर आप इस पर सिंपली क्लिक करते हैं और आप इसमें गेम खेलने लगे तो समझो आप काफ़ी ज़्यादा नुकसान में पहुँच जाएंगे। तो आप इस बात को ध्यान रखें, ठीक है, इस पर आप भी ना खेलें। उसके बाद में आपको बैक बाद में हम यहाँ पर चेक बैलेंस पे आएंगे और यहाँ पर
पंजाब नेशनल बैंक, क्योंकि मैंने स्टेट का तो आपको दिखाई दिया है। उसके बाद मैं यहाँ पर अपना UPI पिन डालूँ, यस पर हम सिंपली क्लिक कर देंगे और उसके बाद में जो बैलेंस होगा वो हमारा यहाँ पर शो हो जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर बैलेंस चेक कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, और अगर आपका कोई भी एरर आ रहा है तो इस तरीके से ही आप यहाँ पर हटा सकते हैं उसे, क्योंकि अपनी ईमेल आईडी चेंज करके। इसी के साथ में आपकी UPI आईडी है वो भी यहाँ पर चेंज हो जाएगी। तो इस तरीके से आप अपने गूगल पे में अगर एरर आ रहा है तो आप हटा सकते हैं। अगर सर्वर से रिलेटेड दिक्कत है तो कहने का मतलब है आपको कुछ सेकंड यहाँ पर वेट कर लेना है, या फिर कुछ मिनट आपको वेट कर लेना है और आपकी जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी। वीडियो चलेगी वीडियोज़ को लाइक करें, चैनल पर आए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।